वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी मैं कोशिश करूँगी आपके साथ अपने सारे दिन के ऑर्डर्स जो है वो शेयर कर सकूँ। अभी मुझे सुबह का पहला ऑर्डर आ चुका है, वो है 5 आलू वाले पराठे। अभी मैं जल्दी जल्दी से इनकी तैयारी करूँगी। इतफाक से पेड़े मैंने अभी बना के रखे थे पहले ही, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से पराठे बनाऊँगी। दूसरा ऑर्डर भी आ चुका है। दूसरा ऑर्डर है 2 कोका कोला ML 500 ML की, 1/2 लीटर की 2 बोतल है। तो अभी जो पहला ऑर्डर है उसको रेडी कर रही हूँ, पराठे बना रही हूँ अभी। और दूसरा तो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो रेडी है, फ्रिज में रखी हुई है, ठंडी है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं। पराठे 4 तैयार हो गए, बस लास्ट पराठा है। राडर भाई भी बाहर आ चुके हैं, तो इस तरह से रोल कर करके मैंने सारे रख लिए हैं। सॉरी यार, मैं अपनी तरफ से कैमरा ऑन करके ले बैठी हुई थी, तो देखें जरा हाल मेरा। जल्दी जल्दी में कैमरा बंद और पराठे सारे तैयार हो गए। अभी लास्ट पराठा रह गया, अभी मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये चलें जी, अभी मैं और आलू रखूंगी बॉयल होने के लिए। असल में मैंने थोड़े आलू बॉयल किए थे, तो अभी 5 पराठे आ गए, साथ ही मैंने अभी और आलू रख देने बॉयल होने के लिए। ये हो गए हैं रेडी। रात का मेरा ऑर्डर आ चुका है और ये है नूडल कनौर चिकन नूडल और एक चटपटा नूडल, साथ में एक सिंपल चाय है और एक स्टीविया चाय है। तो 14 मिनट आ रहे हैं, अभी मैं फटाफट से इनकी तैयारी करूंगी। यहाँ पे मैं नूडल के लिए पानी रख रही हूँ और इधर मैं चाय के लिए रख रही हूँ। कावा मैं इकट्ठा बना लूंगी, तो एक में भी स्टीविया डालना है और एक चीनी वाली है, चीनी बाद में ऐड करूंगी। अभी पहले मैं नूडल बनाऊंगी। यहाँ पे एक नूडल चिकन वाले हैं और एक चटपटा है, तो पहले मैं सिंपल बना लूंगी, इसके बाद चटपटा बनाऊंगी। पानी गर्म हो चुका है, नूडल था उसको मैं ज़्यादा नहीं छोटा छोटा करती होती, क्योंकि ये बड़ों ने खाने होते हैं। और यहाँ पे चिकन नूडल का जो मसाला है वो पूरा इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको कवर कर दूँगी ताकि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। इतनी देर में इधर चाय का फ्री कावा रखा है, 2 कप है, तो मैं कावा पहले बनाऊंगी और स्टीविया वाली निकाल के उसके बाद फिर शुगर ऐड कर दूंगी। कावा तैयार हो गया था, तो इधर दूध डाल दिया ताकि अच्छे से चाय बन जाए। और स्टीविया का ये फ़ायदा है कि इसको पकाना नहीं पड़ता, इसलिए मैं 1 कप निकाल के चाय का उसमें स्टीविया पाउडर ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर चीनी डालूंगी, तो चीनी वाली चाय भी बन जाएगी। दोनों मेरी चाय एकदम साथ कट्ठी बन जाएंगी। इस तरह से चाय को आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे चाय का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा, साथ साथ पकती जाएगी, साथ साथ फेंटते जाएंगे तो चाय जो है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा ये ट्रिक कभी, और मुझे बताइएगा कि आपकी चाय किस तरह की बनी। चिकन वाले पके हैं और अभी मैं स्पाइसी नूडल वो ऐड करूँगी, वो तैयार करूँगी। हल्का सा इसके अंदर सूप इसलिए रखते हैं कि जब तक जिसने कस्टमर के पास पहुंचना होता है तो ये सूप और कम हो जाता है, बिल्कुल थिक नहीं होते नूडल, लिक्विड लिक्विड रहते हैं, मतलब खाने के लायक रहते हैं। अगर ज़्यादा सूप खुशक कर दे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, तो उसका फिर मज़ा नहीं आता। अभी चिकन नूडल और चटपटा नूडल इसी तरह सिंपल आसान से मेन्यू अपनी रेसिपीज जो अपने मेन्यू में रखें ताकि जल्दी जल्दी आप तैयार करें और जल्दी जल्दी डिलीवर कर दें तैयार करके। चाय भी मेरी तकरीबन पक गई है, ऊपर राइडर भाई मेंशन नहीं हुए, 11 मिनट अभी भी शो हो रहे हैं। ये देखिए 1 कप के लिए सिर्फ 1 चुटकी, और इसका मैं आपको बता चुकी कि इसका फ़ायदा ये है कि इसको पकाना नहीं पड़ता। दूसरी चाय में मैं
चीनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, बस इसको चम्मच के साथ आपने मिक्स करना है और आपकी चाय तैयार। ये दूसरे में भी मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चलो ये हो गई तैयार, भी तैयार हो गए हैं चम्मच में। ये साथ रख रहे हैं ताकि कस्टमर को आसानी रे पड़ने दे पता करने में कि चाय स्टीविया वाली कौन सी है, चीनी वाली कौन सी है। ये मैं स्टीविया चाय के ऊपर रख दूंगी। नूडल का तो टेस्ट ही पता चल जाना है कि चटपटे कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ता करे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।